बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधने के लिए बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। खासतौर पर कानून व्यवस्था के सवाल पर बता दें कि नीतीश कुमार ने हाल ही में आरजेडी समेत 6 दलों की मदद से सरकार बनाने के लिए एनडीए से गठबंधन तोड़ा था। बिहार की मौजूदा स्थिति पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने INS को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि बिहार जंगल राज की ओर बढ़ रहा है और इसके लिए महागठबंधन के नेता जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में हत्या, दुष्कर्म, डकैती आम बात है। बिहार के लोग मौजूदा सरकार से नाराज हैं। नीतीश जी को, तेजस्वी जी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है, किसी प्रकार से सत्ता में बने रहे, और इसी कारण यह जानते हुए भी कि यह देश और राज्य के हित में नहीं है, लेकिन उनके वोट, वैसे वोट जो इसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी भावनाओं को हम अपने मत के रूप में बरकरार रखें, इसलिए राज्य और देश के जो हित में नहीं है उस चीजों को भी क्या सरकार, बिहार की सरकार स्वीकार कर लेती है। महागठबंधन के नेताओं के 2024 के लोकसभा चुनावों में 5 सीटों के अंदर बीजेपी को समेटने के दावे पर राय ने कहा कि जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि बीजेपी उन्हें ऐसी स्थिति में ले जाएगी जहां वो दोबारा चुनाव लड़ने के सक्षम नहीं होंगे। इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि महागठबंधन के नेता लंबे समय तक इस भ्रम में नहीं रहे, बिहार की जनता जल्द ही इस भ्रम को तोड़ देगी। जो लोग जंगल राज के खिलाफ थे वो उनके साथ चले गए और बिहार में सरकार चला रहे हैं। 5 सीट पर भाजपा को सिमटा दे, बिहार में हम उनका सुपड़ा साफ कर देंगे, बिहार में सुपड़ा, और हम ऐसा इतिहास दोहराएंगे जो शायद उन लोगों को कहीं भी जीतने के लिए कोई सीट दिखाई नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा पर नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 17 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं और वे हर साल यात्राएं करते हैं। सत्ता में उनके नेता इसमें सम्मिलित हैं, पेपर लीक हो रहा है, हत्याएं हो रही है, माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, लूट हो रहा है, सारी की सारी अव्यवस्थाएं, अत्याचार, कानून तोड़ने वाला काम बिहार में हो रहा है। राय ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब NDA सत्ता में थी तब बिहार विकास के पथ पर था, कोई सुधार नहीं किए, और हताशा की यात्रा है। जब जनाधार खो बैठे, जो भी यात्रा कर ले ना, जनता को विकास यात्रा में विश्वास है और विकास की गंगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बह रही है।